नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार और बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से इस देश को झकझोरा है। हालांकि इस बात से इनकार जो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल हैं वो कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन बड़ी मजबूती से इस बात को कह रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी का किला ढा देंगे। इन सारी बातों को लेकर के हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। आपने हमारे यहाँ डिबेट भी देखा होगा, आपने हमारी खबरों को भी देखा होगा। हम भीतर से लेकर बाहर तक, इंटरनल से लेकर के एक्सटर्नल तक सभी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच में एक चर्चा आती है कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है उसके सेकंड नंबर के जो मुखिया हैं तेजस्वी यादव, उनके साथ साथ 17 अन्य लोगों पर चार्जशीट दाखिल हो जाता है। मामला आपको पता है, लैंड फॉर जॉब मामला है, और ये आज का नहीं बल्कि 2004 से लेकर के 2009 तक का मामला है, जब रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद इस देश की रेल व्यवस्था को संभाल रहे थे। संभालते संभालते अचानक जो ये बातें सब आ रही हैं, इसको लेकर के भी मामला है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग को लेकर के भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो स्वास्थ्य विभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग होता है उसको लेकर के, नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो वही महागठबंधन वर्सेस एनडीए, ये भी मुद्दे सामने आ रहे हैं। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए अक्सर आपने इनको देखा होगा, डिबेट में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, आरएलजेडी का पक्ष अपने तरफ से रखते हैं, और एनडीए के एक मजबूत साथी के रूप में इन्होंने दिल्ली से लेकर पटना तक और पटना से लेकर के बिहार के अलग अलग क्षेत्रों तक अपनी पकड़ बना रखी है। इसलिए कि आम जनता की समस्याओं को बड़ा बारीकी से रखते हैं, एक बिजनेसमैन है और साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। हमारे साथ नरेंद्र कुमार जी हैं जो लगातार आप लोगों के साथ जुड़े रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जी, दिल्ली की राजनीति में आप काफी समय दे रहे हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी है कि दिल्ली की राजनीति में और दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है वो सारी बातों को लेकर के, सारी फाइल कॉपी किताब जितना भी आप लोगों के साथ चर्चा चल रहा है, उस सब लेकर के आप पटना पहुंचे और पटना से सीधे आप सीतामढ़ी पहुंच गए। वहां बैठकों का सिलसिला जारी है, लगता है कि सब कुछ मामला अपनी जगह पर है। देखिए, हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का निर्देश है कि पार्टी के सारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, जो प्रदेश पदाधिकारी है उनको पंचायत स्तर तक पहुंचना है, और इसी कार्यक्रम में मैं जिला में अपने प्रखंड में अपने पंचायत अध्यक्षों की हम लोगों ने नियुक्ति करी है और हम अब वार्ड तक पहुंचने वाले हैं। तो सीधा सीधा मैसेज ये है कि नीतीश कुमार जी जिस तरीके से आज भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, और जिस भ्रष्टाचारियों से उनको अगर किसी पे दाग लग जाए तब भी उनको उससे बदबू होती थी, तो उसी को लेकर के हम लोग जन आक्रोश को देख रहे हैं और जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो बिहार के लिए सुरक्षित नहीं है। जिन हाथों में बिहार अभी है, इसके लिए जन आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग जिले में, प्रखंड में, पंचायत स्तर पर हमारा जो है मिलने जुलने का कार्यक्रम, जनसंपर्क अभियान चल रहा है। दो तीन बातों को लेकर के आप लोग जदयू से अलग हुए थे, अपनी पार्टी बनाया था, जिसमें से एक बात थी नीतीश कुमार का राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर देना, दूसरा उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बनाना, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात था कि आखिर नीतीश कुमार ने 2005 में जिनके विरुद्ध बिहार की जनता को आजादी दिलाई थी, यानी जंगल राज से मुक्ति दिलाई थी, आज उनके साथ फिर क्यों चले गए, इस पर आप लोगों का स्टैंड अब क्या है? देखिए, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। जिस जंगल राज को बिहार में उद्योग बना दिया गया था, बिहार में लोगों से उगाही हो रही थी, बच्चों का अपहरण हो रहा था, उस सरकार को सब लोगों ने मिल करके संघर्ष करके जेल जाके जाने कितने हमारे कार्यकर्ता, हमारे बिहार की जनता, युवा, जिन्होंने अपनी जान तक को दाव पे लगा दिया और एक सरकार बदला, बिहार में एक उम्मीद जगा कि हाँ बिहार के में विकास होगा, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कुछ समय आरंभिक के दिनों में विकास हुआ भी। लेकिन जिस तरीके से आज नीतीश कुमार जी, उन्हीं लालू जी, जो भ्रष्टाचार के अपने आप में एक एग्जाम्पल है बिहार, पूरे भारतवर्ष में एक सिटिंग सीएम को जेल जाना पड़ा था अगर आपको समय याद हो, और आज भी वो सजा आती है, उस परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके नाम पर सीबीआई ईडी में चार्जशीटेड ना हो, और वो एनडीए के समय नहीं हुआ, ये सब पहले कांग्रेस के समय में हुआ, और आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी ने चिल्ला चिल्ला करके, पानी पी पी करके उनके सबूत को रखा और बाकी लोगों ने भी रखा। आज नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी को अपना उत्तराधिकारी बना चुके हैं, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पार्टी को विलय करने का सोच रहे हैं।
तो इन सबसे हम जनता दुखी थी और जनता की आवाज आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने पहचाना और उन्होंने कहा कि अगर पार्टी में सही नहीं हो सकता, पार्टी में बदलाव नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह थी कि तेजस्वी यादव जी का नेतृत्व जनता दल यूनाइटेड में किसी को स्वीकार्य नहीं था। जो लोग दबे पर आज नहीं निकल पाए हैं वो आने वाले समय में निकल जाएंगे। हमारे नेता ने सबसे पहले इसको पहचान लिया और हम लोग बाहर निकल के आए। जिस तरीके से जनता का सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है, जनता हमारे साथ आ रही है, वो हमारे लिए और बिहार के लिए बहुत एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करने के लिए एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक अच्छा पल आने वाले समय में दिखेगा। 24 हो या 25 हो, नीतीश कुमार जी बिल्कुल जीरो पे आउट होने वाले हैं और आरजेडी को भी वो बर्बाद कर देंगे जिस तरीके से उन्होंने जदयू को बर्बाद किया है। नरेंद्र जी, एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह है कि बिहार की जनता और राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि तेजस्वी यादव सहित उन 17 लोगों पे चार्जशीट दाखिल हुआ है। इसमें चूंकि तेजस्वी यादव देश से बाहर हैं, विदेश में हैं, उनके लौटते ही उनकी गिरफ्तारी होगी। चार्जशीट होने के बाद क्या परिस्थितियां बनेगी, इस उत्सुकता को हम चाहेंगे कि आप अपने स्तर से बताएं कि आखिर आप लोग क्या सोच रहे हैं कि इस चार्जशीट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि एक तरफ कहा जा रहा फंसाया जा रहा है, दूसरी तरफ आपने जो स्पष्ट कर ही दिया कि ये मामले आज के नहीं है। चार्जशीट के बाद क्या माहौल रहेगा बिहार की राजनीति में? क्या ये महागठबंधन जो बिहार में सरकार चला रही है वो बचेगा या फिर खत्म हो जाएगा? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा जो है कि चार्जशीट है क्या, थोड़ा समय लूंगा इसमें। ये लैंड फोर जॉब का मामला है। 2004 से 2008 के बीच में लालू प्रसाद यादव जी उस समय रेल मंत्री थे और रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने ग्रुप डी में, जो सबसे निचले स्तर का जॉब होता है, ज्यादातर हमारे गरीब लोग जिनको रोजी रोटी की दरकार होती है वो लोग उस पद के लिए अप्लाई करते हैं। उस पद के लिए पटना और उनके जो जहां जहां से उनके बच्चे या परिवार के लोग चुनाव लड़ते हैं, बड़ी संख्या में गरीब लोगों से, जिनमें कुछ नाम तो यादव परिवार से आते हैं, लाल बाबू यादव जी हैं, संजय राय हैं, उन सबसे जमीन लिखवाया गया। कुछ जमीन तो राबड़ी देवी जी के नाम पे लिखवाया गया। एक 60 लाख का जमीन था, उसको 3,75,000 में लिखवा दिया गया। और ये सारा पैसा, बहुत ही कम मीडिया चैनल ने इसके बारे में बताया कि एक बीए कंस्ट्रक्शन करके कंपनी है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं इस पूरे स्कैम के ऊपर। बीए कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है, मेरी खुद का फॉर्म मैनेजमेंट कंसल्टिंग है, हम लोग लीगल में बड़े लेवल पे काम करते हैं। और हमने जब एनालिसिस किया तो हमने देखा ये सारा लैंड फिर से बेच दिया गया और बेच करके एक बीए कंस्ट्रक्शन कंपनी है वहां गया है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर है, बीए डिस्ट्रीब्यूटर, वहां गया पैसा। ये सब कुछ ईडी के स्टेटमेंट में अवेलेबल है। सीबीआई का जो चार्जशीट फाइल हुआ है, 12 तारीख को हियरिंग है, उसमें बिहार की कोई भी जनता, चाहे वो तेजस्वी जी को सपोर्ट कर रहे हो या लालू यादव की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, वो जरूर इस चार्जशीट को पढ़े। कोई भी संवैधानिक बॉडी इतना गलत नहीं लिख सकता है, ये जानने की जरूरत है। अंधभक्त नहीं होना है हम सबको, बिहार के लोगों को। उस चार्जशीट जी, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। और ये सारा पैसा जो है बीए एक्सपोर्टर्स उसमें जाता है, जिसमें राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यानी कि 70% से ज्यादा शेयर्स हैं। कंपनी भी पूर्वत में आरजेडी के दफ्तर जो है उसके एड्रेस पे बनाया गया। अच्छा। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में D1188 जैसा एक महल है, अगर दिल्ली में कभी आप जाने का मौका मिले, गूगल भी करेंगे तो आपको दिख जाएगी। उस महल की कीमत मात्र 1,00,000 रुपए में तेजस्वी जी ने उस कंपनी को खरीद लिया। और जब सीबीआई ने 2017 में उन्होंने लालू यादव, राबड़ी देवी और बाकी लोगों, अन्य लोग जिसमें रेलवे के कुछ अधिकारी है, उन पर जब एफआईआर हुआ, तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आप पब्लिक डोमेन में आके खाली बता दीजिए, हम मान जाएंगे। उन्होंने नहीं बताया। आज तो चार्जशीटेड है, आज तो जमीन फॉर जॉब का नाम तक लिखा हुआ है कि कौन सी जमीन उन्होंने ली, कौन से जमीन उन्होंने अपने परिवार के लोगों को दे दिया। और 150 करोड़ की प्रॉपर्टी महज 1,00,000 रुपए में मिल गई उनको, एक कंपनी उन्होंने खरीद लिया। एक सुनियोजित तरीके से गरीब लोगों के पैसे को उन्होंने उगाही किया। पहले वो बंदूक के दम पर उगाही कराते थे अपने रिश्तेदार से, अब जब उनको मौका मिला 2004 में, तो उन्होंने गरीब लोगों के जॉब के नाम पर उनसे पैसे लिए, उनकी जमीन को लिखवाया। और इससे बड़ा अपराध भारत की राजनीति में किसी ने नहीं किया होगा।
उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है तेजस्वी जी को कि वो सीएम की डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे रहे और सीएम की कुर्सी की जो सपने देख रहे हैं उनको कोई अधिकार नहीं है। जहां तक आप बात करते हैं राजनीतिक पर थोड़ा समय लूंगा, राजनीति में बड़ी बड़ी कहावत है कन्विक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, एक समय था राजनीति में कि आरोप लगते लोग कुर्सी छोड़ देते। स्वयं नीतीश कुमार जी जब रेल दुर्घटना हुई थी, गोधरा वाला दुर्घटना हुआ था, उन्होंने खुद त्यागपत्र दे दिया था। आज के नीतीश कुमार में और कल के नीतीश कुमार में बहुत फर्क है। अगर कल के नीतीश कुमार के अंदर थोड़ी सी भी ईमानदारी जैसी चीज बची हुई है तो उनसे अनुरोध रहेगा कि तेजस्वी जी को तत्काल बर्खास्त करें। अगर आज के नीतीश कुमार में कल वाले नीतीश कुमार का 5% अंश भी बचा हुआ है बाबा। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि 2020 में जब ये सरकार बनी थी उस सरकार को लेकर के हम लोगों ने कहा था कि ये सरकार लंबा नहीं चलेगी क्योंकि नीतीश कुमार काफी कमजोर थे। उसके बाद वो हुआ, 2 साल के अंदर में सरकार बदल गई। जब पिछले साल अगस्त महीने में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आए, उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल कई कुर्बानियां दे चुका है। सरकार चलाना और सरकार का समर्थन करना एक अलग बात है, लेकिन मंत्रिमंडल से लगातार राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रियों का बर्खास्त होना, बाहर निकलना, इस्तीफा देना, और अब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर इसी तरह की तलवार लटक रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये राष्ट्रीय जनता दल की प्रकृति के अनुरूप है या फिर नीतीश कुमार की रणनीति के तहत हुआ है? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो ज्यादातर विधायक हैं, मंत्री हैं, सब दागी हैं, कहीं ना कहीं सब लोग चार्जशीटेड हैं, जो नहीं है उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। हमारे शिक्षा मंत्री जी का जो आदेश पारित हुआ था 2-3 दिन पहले, एक लेटर देखा था, उसमें 100 गलतियां निकली। जब वो ट्वीट करते हैं उसमें गलती निकलती है। कौन किस यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर बने, ये बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के लिए कि बिहार में एक अशिक्षित शिक्षा मंत्री बिहार को मिला है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और आरजेडी को भी मजबूरी है, उनको सत्ता में बने रहना है, और नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता जिस तरीके से उन्होंने ली है, जिसको पहले पानी पीपी के गरियाते थे, आज वो उनका पैर छू रहे हैं और वंदना कर रहे हैं, उनके नेताओं को निकाला जा रहा है। लेकिन उसी समय जब जदयू में कोई किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगता है, अभी अभी देखिए जदयू के एक सांसद को बड़े 1900 करोड़ का एक एम्बुलेंस का टेंडर दे दिया जाता है जिसकी उनकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती थी, कोई कुछ नहीं बोलता उसके ऊपर, नीतीश कुमार जी सब फिक्स करवा देते हैं। तो जदयू का हालत यह है कि सिर्फ हाथ जोड़ना है और सत्ता में बने रहना है जब तक वो बने रह सकते हैं। नीतीश कुमार जी का जो कार्यशैली है वो पूरा बिहार जानता है कि 5 से 6 ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस अधिकारी उनके चाहते प्रत्यान जी हैं, पाठक जी हैं, अंजनी कुमार जी है, ये सभी लोग मिलके सरकार चलाते हैं। मंत्री कोई भी हो, स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, तो पाठक जी के सामने इनकी कहाँ चलेगी, सवाल ही नहीं उठता है। तो नीतीश कुमार जी ने मंत्री पद तो जरूर दिया आरजेडी को, लेकिन पूरा नियंत्रण उन्होंने अपने पास ही रखा है, और वो इसके लिए जाने भी जाते हैं कि सरकार की जो व्यवस्था है वो अपने पार्टी के लोगों के फायदे के लिए ही चलाते हैं। इसमें नरेंद्र जी आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाएगी, टूटेगी, इसको लेकर के आप बैठकों का दौर भी जारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महागठबंधन 16-17 तारीख को फिर से बैठने वाली है, जो बगैर भाजपाई दलों का एक गठबंधन बनने जा रहा है। वहीं 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने भी एनडीए की बैठक बुलाई है। आप लोगों का दावा कितना मजबूत है? चूंकि हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से हुई है, उन्होंने भी बताया कि आप लोग भले ही अभी घोषित रूप से एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन एनडीए में सब कुछ तय हो गया है, तो क्या इस 18 तारीख को होने वाली इस बैठक में आप लोग शामिल होंगे? देखिए, एनडीए में अभी कुछ दल हैं जो जिनको उन्होंने बुलाया है वो जाएंगे, निश्चित तौर पर जाना चाहिए जी। और महागठबंधन भी अपना मीटिंग वो लोग करते रहते हैं, भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा रूप है महागठबंधन। जिस तरीके से देखिए एनसीपी में परिवार बचाते बचाते परिवार ही टूट गया। जहां तक हमारे दल का बात है, हमारे नेता ने पहले भी कहा है कि हमारी अपनी डिमांड है और हमारी डिमांड के पूरा होने पर ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होगा। हमारे लिए सत्ता और चुनाव इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है। बिहार का जो विरासत है उसको बचाने के लिए हम लोग सड़क पर हैं, और जब वो लगेगा भारतीय जनता पार्टी के समय साथ कि वो उपयुक्त समय है या उपयुक्त गठबंधन है, तब हम लोग उस पर, हमारी जो पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं वो लोग उस पर फैसला लेंगे।
इस मीटिंग में हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग एनडीए का पार्ट नहीं है। जब इस गठबंधन का पार्ट होंगे तो निश्चित तौर पर उसका भाग लेंगे। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जिसका हमने जवाब भारतीय जनता पार्टी से भी मांगा था, उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा था, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि यदि नीतीश कुमार फिर से शिफ्ट होते हैं एनडीए की तरफ तो आप लोगों का क्या होगा? आपके साथ, आप लोगों का मतलब मेरा उन सभी दलों से है जो एनडीए का इंतजार कर रहे हैं उनके ऑफर का। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो जनाधार था वो कहीं ना कहीं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी उनको सर पे बैठाई हुई थी वो था लव कुश समीकरण। आज के समय में उनके साथ ना तो लव है और कुछ तो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है दूर दूर तक। तो हमारे नेता का, हमारे दल का सिर्फ कुशवाहा समाज में ही नहीं बाकी समाज में भी स्वीकार्यता बन रही है। वो बिहार में ऐसे अकेले नेता हैं जिनके ऊपर एक चिंता का सा दाग नहीं लगा हुआ है। सबसे ज्यादा अनुभवी हैं, शिक्षित हैं, उनकी कार्यशैली देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात है उनको त्याग करना आता है जहां भी स्वाभिमान की बात होती है, विरासत की बात होती है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जी पलटे उल्टे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने, उनके पास जनाधार होता तब तो भारतीय जनता पार्टी उनको लेगी साथ में। और ये भारतीय जनता पार्टी का अपना विषय हो सकता है, हम लोगों का अपना विषय है, हमें अपने जनाधार को बढ़ाना है, जन जन तक पहुंचना है, जनता से जुड़े मुद्दे को उठाना है, और जिस गठबंधन को हमारी जरूरत होगी और हमें जो लगेगा गठबंधन सही है उसके साथ हम लोग जाएंगे। नरेंद्र जी, बिल्कुल मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, आप एक युवा हैं और बिहार को एक युवा की ही जरूरत है, बिहार भी देश का सबसे युवा प्रदेश कहा जाता है, आपको क्या लगता है, ये मेरा अंतिम क्वेश्चन होगा, मैं ज्यादा नहीं रोकूंगा, आप एक युवा होने के नाते बिहार में किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं और आने वाली परिस्थितियों में युवाओं के लिए आपके पास क्या संदेश? देखिए, मैं बिजनेस कर रहा था दिल्ली में, लेकिन मेरी पढ़ाई सरकारी स्कूल में बिहार से ही मैंने किया हुआ है और बहुत सामान्य परिवार से उनके यहाँ तक पहुँचने का ईश्वर ने अवसर दिया। मुझे लगा अपने मातृभूमि में कुछ करना चाहिए और मैं विगत 4-5 सालों से राजनीति तो मैंने कुछ समय पहले शुरू किया है, मैं समाज सेवा में काफी अग्रसर रहा हूँ, मैं युवाओं के लिए एक संगठन मेरा आत्मनिर्भर सेना वो चलता है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा जब मैं बिहार में उद्योग की बात होती है तो बिहार के लोग, बिहार के बाहर एक कह सकते हैं कि एक श्रमिक का जो निर्यात हमारे यहाँ से बड़ी संख्या में होता है उसके लिए नीतीश कुमार जी जिम्मेवार है। उन्होंने जो लैंड स्कीम बनाई है, जो फैक्ट्रियों के लिए जमीन चाहिए, जो पॉलिसी चाहिए, जो इंडस्ट्रियल यूनिट चाहिए, वो सब कहीं नहीं डेवलप हुआ और कोई भी इंसेंटिव्स नहीं है आज तक हमारे। मैंने कम से कम उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में हमारे पास इनविटेशन आता रहता है कि आप हमारे यहाँ उद्योग लगवा दीजिए, क्योंकि हमारे कनेक्शंस विदेश में और हमारी कंपनी का काम यही रहा है। लेकिन बिहार सरकार का आज तक एक SMS, एक ईमेल तक नहीं आया। हमारे जैसे बिहार के बहुत सारे लोग विदेश में, देश के अन्य जगहों पर सक्षम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी उनको आमंत्रण नहीं दिया जाता। गुजरात देखिए, आप हरियाणा देखिए, आप उत्तर प्रदेश देखिए, जिस तरीके से आज औद्योगिक क्रांति वहां हो रही है, लोग बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है चिन्हित करके कि किस गांव में कौन सा व्यक्ति यूपी का, गुजरात का बाहर था, बाहर क्या कर रहा है, उनको वापस बुलाओ, उनको सुविधा दो, उनको सुरक्षा दो। बिहार सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब इसलिए है कि बिहार के लोगों को जाति के जाल में बांध करके, उनको अशिक्षित रख करके, शिक्षा के नाम पर उनको मिड डे मील दे करके और सिर्फ श्रमिक बनाने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। इसके लिए बिहार के युवाओं को, आपने युवा से सवाल पूछा है, बाहर निकलना होगा, जाति धर्म से ऊपर उठ करके रोटी की बात करनी होगी, शिक्षा की बात करनी होगी और आपको आपका हक, आपका रोजगार बिहार में मिले, ऐसे दल को वोट कीजिए, हम लोग उस पर काम करेंगे। ये बिहार के लोगों के लिए हमारा वादा है कि बिहार से एक भी गाड़ी जिस दिन खाली होकर के जाएगी ना, बिहार से ट्रेन और बस, उस दिन बिहार और बिहारी जो अस्मिता है हमारी उसकी जीत होगी। चलिए, आपने अपनी बातों को बड़ा बेबाकी से रखा और कई ऐसी बातें भी आपने कही, हम फिर आपसे बात करेंगे, लेकिन इस सेशन में हम यहीं आपसे विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
8167 00। धन्यवाद।